पुरस्कार हमें नई शक्ति देता है, हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाता है, अपने क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। भारत के नौजवान वो जुनून है जो देश और दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। यह भारत की बौद्धिक क्षमता का ही परिणाम है कि हमने अनेक ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल पैदा किए हैं जो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये विचार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डीएवी कॉलेज होशियारपुर के सालाना पारितोषिक समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने शिक्षा, खेल, एनसीसी, एनएसएस और सांस्कृतिक गतिविधियों में महाविद्यालय को गौरवान्वित करने वाले 166 छात्रों को पुरस्कृत किया। ये संस्था लगातार यहाँ पर उत्कृष्ट शिक्षा दे रही है, संस्कार दे रही, विचार दे रही है, बहुआयामी प्रतिभाओं, इसलिए अच्छी खिलाड़ियों को तैयार कर रही है और देश के 100 महाविद्यालयों के अंदर इसकी गिनती गिनी जाती है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ की प्रबंध समिति जो समाज की समर्पण सेवा माध्यम से ऐसी संस्थाओं को चला रही है, यहाँ की शिक्षा देने वाले गुरुजन जो समर्पण और सेवा के साथ अच्छी शिक्षा, विचार, संस्कार देकर इस नई पीढ़ी को, नौजवान को तैयार कर रहे हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब का इतिहास गौरवशाली रहा है, यहाँ लाला लाजपत राय ने प्रखर राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने हरित क्रांति में पंजाब के योगदान को याद करते हुए कहा कि जवानों की बात हो या फिर किसानों की, पंजाब का योगदान अतुलनीय है। पंजाब की धरती धर्म रक्षा की धरती है, जहां धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान दिया, जहां का नरसंहार आज भी दिल दहला लेता है, जलियांवाला बाग आज ही हमें याद रहता है। शायद इस दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां 18, 19, 20 साल का नौजवान शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, इतनी कम उम्र के अंदर जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, ऐसे हजारों लोग, हजारों नौजवान हम सबको, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को भी याद किया। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद उपनिषद की व्याख्या कर देश को वैदिक संस्कृति के बारे में बताया। समाज सुधार आंदोलन में उनका बड़ा योगदान है। हम सबको याद है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचारों के माध्यम से वेद उपनिषद के माध्यम से आर्य समाज की स्थापना के साथ इस देश को एक संस्कार दिया, विचार दिया, जिसके कारण आज भी हमारी वैदिक संस्कृति के रूप में भारत को याद करते हैं, तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बहुत बड़ा योगदान है। वे 19वीं शताब्दी के उस समय के ऐसे विचारक थे, ऐसे समाज सुधारक थे
जिन्होंने भारतीय संस्कृति की स्थापना के साथ, वेद उपनिषद के विचारों के साथ भारत की संस्कृति को एक नई दिशा देने का काम किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने आजादी के बाद शिक्षा व्यवस्था में आए बड़े बदलावों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा गारंटी कानून के अंतर्गत शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद ने कई कानून बनाकर शिक्षा, भोजन और रोजगार देने का काम किया है। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के साथ साथ उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव की दिशा भी तय करती है। भारत के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमने आजादी के बाद बहुत बदलाव किया। हमने शिक्षा गारंटी कानून लाए ताकि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके। हमने प्राथमिक विद्यालय में अच्छी शिक्षा, संस्कार, कौशल, उसके साथ उसका जीवन बहुआयामी हो, इसके लिए भोजन और पौष्टिक आहार देने का काम भी किया। हम चाहते हैं कि जितना देश शिक्षित होगा उतना ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव आएगा। छात्रों को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं के सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी है। अब युवा अपने तकनीकी ज्ञान कौशल का प्रयोग कर इन योजनाओं के माध्यम से देश दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत एक बदलता हुआ देश है और दुनिया के अंदर भारत का नौजवान अपनी उच्च शिक्षा के कारण, अपने संस्कारों के कारण, अपनी तकनीकी शिक्षा और कौशल के कारण आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। हमारा नौजवान चाहे आईआईटीएन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल कोर्स के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण आज दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, उस देश के अंदर अगर सबसे बड़े आईआईटी मिलेगा तो भारत का नौजवान मिलेगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा तो भारत का नौजवान मिलेगा, कुशल वित्त प्रबंध के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में मिलेगा तो भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेगा। यह भारत के नौजवान की बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है कि आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी कनाडा यात्रा का भी जिक्र किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने कनाडा में हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कनाडा की राजनीति, व्यापार और शिक्षा, हर क्षेत्र में पंजाब के नौजवान बड़ा योगदान दे रहे हैं। हम दुनिया के अंदर भारत अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूत बने, इसमें पंजाब के नौजवान का बहुत बड़ा योगदान है। अभी मैं कुछ दिन पहले कनाडा गया था तो मैंने देखा कि उस कनाडा के अंदर मिनी राज्य पंजाब, वहां के राजनीति क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर, उद्यमी के रूप में और शिक्षा प्राप्त करने के रूप में भी पंजाब का नौजवान वहां पर बड़ी संख्या में था। मुझे गर्व हुआ कि कनाडा की पूरी आर्थिक धुरी का 50% से ज्यादा हिस्सा पंजाब के लोग चला रहे थे। 24 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब के थे। हमें गर्व हो सकता है कि भारत के अंदर सामाजिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे राजनीति क्षेत्र के अंदर हो,
चाहे आर्थिक जगत के अंदर हो, भारत का नौजवान जहां भी जाता है वहां पर अपने संस्कृति के कारण, अपने विचार के कारण, मानव मूल्यों के कारण वह अपना स्थान दिखा बना लेता है। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि इस कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र समाज सेवा के साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को भी मजबूत करेंगे, क्योंकि इस जिले का नौजवान देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, भारत के प्रति समर्पित सेवा भाव से काम कर रहा है, देश के लिए समर्पण सेवा का भाव है। इसलिए मुझे अपेक्षा है कि यहाँ के पढ़ने वाला कॉलेज का विद्यार्थी अध्ययन करने के बाद समाज की समर्पण सेवा के साथ काम करेगा। हम आने वाले समय के अंदर हम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। 17 आम चुनाव अभी तक देश में हुए हैं और लगातार मतदाताओं की संख्या, विशेष रूप से नौजवानों की मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और मतदान भी 17 आम चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा मतदान 17वीं लोकसभा के अंदर हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जनता का, नौजवान का लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। हम हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे मजबूत करें, इसके लिए भी हर नौजवान को सजग रहना पड़ेगा। लोकसभा के प्रेरक उद्बोधन से समारोह में मौजूद सभी छात्र उत्साहित नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ने कॉलेज प्रबंध समिति और छात्रों को संसद भवन आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।